हम सब हर साल दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सभी के घर दियों और रंगीन लाइटों से सजी होती हैं और साथ ही न जाने कितने ही पटाखे जलाए जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि हम सब दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि हम दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या कारण है। तो आइए जानते हैं। अगर आप रामायण की पूरी कहानी जानते हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनों में रहना पड़ा था, कारण कि राजा दशरथ की तृतीय पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास का आदेश दिया था। इसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वो अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को बहुत मानते थे, उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। वनवास की बात सुनकर अयोध्यावासियों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अयोध्यावासी 14 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते रहे। फिर 14 वर्षों बाद श्री रामचंद्र जी वनवास काट कर जब वापस आए तो अयोध्यावासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने इसी खुशी में श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दिए जलाकर उनका स्वागत किया और यही परंपरा बन गई। इसीलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।